बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। जौनपुर में सागंज विधानसभा से बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन उम्मीदवार रमेश सिंह ने किया नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया नारेबाजी। चार बार से विधायक व सपा प्रत्याशी शैलेंद्र यादव ललई पर रमेश सिंह ने साधा निशाना। कहा कि 20 वर्षों में सागंज में नहीं हुआ है कोई विकास। चुनाव मैं नहीं बल्कि सागंज की जनता लड़ रही है। सागंज की जीत पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत होगी। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के बेटे हैं रमेश सिंह। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। आज आपने नामांकन की क्या रणनीति रहेगी आगे की? आज हमारा 2 सेट में नामांकन हो चुका है और मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो लड़ाई निषाद राज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ये उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और ख़ास करके सागंज में, उस लड़ाई में हम बेरोजगारों का मुद्दा हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया है, वहाँ सड़कें का मुद्दा हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया है और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो 20 साल से हमारे विधानसभा का शोषण हो रहा है, वो शोषण रोकने का यही मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। चार बार के विधायक आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे, जनता देख रही है लड़ाई है। रमेश सिंह लड़ी नहीं रहे, आम जनमानस लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ के विधायक कहते हैं धन पशु आप। देखिए विधायक जी, अभी धन पशु मुझे कहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, लेकिन मैं उनसे भी ज़रा पूछना चाहता हूँ कि सन 1991 में वो क्या थे और आज सन 2022 में वो क्या हैं। एक छोटी सवाल, कितना विकास हुआ आपके साथ, क्या लगता है? शून्य विकास हुआ है हमारे यहाँ सागंज में। विकास अगर आप चलिए हमारे साथ में, अगर आप सड़कों के हाल देख लीजिए तो शायद ही आपको ऐसा लगेगा कि ये जौनपुर नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से बद से बदतर हालत में अगर कोई सड़कें हैं तो हमारे सागंज विधानसभा में है। रोजगार के लिए हमारा युवा दर बदर भटकते जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, कहाँ कहाँ बेचारा घूम रहा है। मतलब कोई कोई व्यवस्था नहीं दी गई। युवा होने के नाते मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए वहाँ रोजगार की व्यवस्था करूँ, सड़कों की अच्छी व्यवस्था करूं और जो आम जनमानस की समस्या है उसको डे टू डे हम लोग टैकल करें। अपनी जीत पर कितना कॉन्फिडेंस है आपको? कितने वोटों से जीत होगी आपकी, क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि शायद ये जौनपुर नहीं, पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। रमेश सिंह कितनी बार चुनाव लड़े हैं विधानसभा के, या पहली बार? ये मेरा पहला बार, ये मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और आम जनमानस के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।